एवरीवन, आई एम सोम्या। वेलकम टू माय चैनल स्टाइल विद सोम्या। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज मैं ये वाला मेकअप लुक क्रिएट करूंगी बाय यूजिंग स्पिन्स बीबी क्रीम। कोई भी फाउंडेशन या कंसीलर यूज नहीं करूंगी। एंड दिखने में मुश्किल लग रहा है बट उतना ही आसान है ये क्रिएट करने में। सो जो भी प्रोडक्ट यूज करूंगी सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेकअप से पहले स्किन केयर कर लेंगे, उसके लिए मैं ले रही हूँ एसटीआई एक्सपर्ट विटामिन सी एंड ई सीरम। उसे मैं अच्छे से पूरे फेस पे मसाज करके लगा लूंगी। नेक्स्ट ले रही हूँ निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर। आप सबको पता ही होगा रेगुलर बेसिस पे मॉइस्चराइजर यूज करना कितना जरूरी है। सो इसे भी मसाज करके लगा लूंगी पूरे फेस पे। नेक्स्ट मैं वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर यूज कर रही हूँ। ये एक इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है। ये प्राइमर के काम करने के साथ ही साथ फेस पे एक हेल्दी ग्लो भी देता है। नेक्स्ट स्पिन्स का बीबी क्रीम ले रही हूँ। उसे अपने हाथों से पूरे फेस पे लगा दूंगी, देन एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी। नेक्स्ट उसे सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कंटूर पैलेट। उसमें से वो बनाना शेड को लेके फेस पे डस्ट आउट कर लूंगी। आज मैं कोई भी कंसीलर यूज नहीं कर रही, इसलिए उसी पाउडर को एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से आईज के नीचे भी लगा के रख दूंगी कुछ टाइम के लिए। इससे अंडर आईज थोड़ा ब्राइटन अप हो जाएगा। नेक्स्ट मेकअप रिवोल्यूशन ब्रो फॉर्मेट इन द सेल ग्राफाइट ले रही हूँ। मेकअप करे या ना करे आईब्रो हमेशा ग्रूम किया कीजिए, फेस में डिफरेंस आप खुद देख पाएंगे। नेक्स्ट फॉर आईज आज मैं ले रही हूँ किंगडम ऑफ लसेस का ऑरेंज पैलेट। उसमें से वो लाइट पीस एंड मस्टर्ड कलर को मिला के क्रीज डिफाइन करूंगी। देख सकते हैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ, बस ऐसे ही करना है। नेक्स्ट वो मैट स्काई कलर को अपनी फिंगर के हेल्प से लेके पूरे आईलिड पे लगा लूंगी एंड अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। नेक्स्ट वो सिमरी टर्कोइज कलर को लेके मिडिल पोर्शन ऑफ माय आईलिड पे लगा लूंगी। एंड एक ब्रश के हेल्प से ब्लेंड करते जाऊंगी। देन वो ब्लू सिमर कलर को लेके आउटर कॉर्नर ऑफ आईज पे लगा लूंगी। सारे कलर्स को फिंगर के हेल्प से ही पिक कर रही हूँ क्योंकि ब्रश से कलर्स पिक नहीं हो रहे थे अच्छे से। देन एक ब्रश से ब्लेंड कर दे रही हूँ सबको। नेक्स्ट ले रही हूँ निका के का बर्थडे पैलेट। उसमें से वो लाइट सिमर स्काई कलर को लेके इनर सेक्शन ऑफ आईलिड पे लगा लूंगी। देखिए कितना सिंपल था ये लुक क्रिएट करना। नेक्स्ट मैं पाउडर को क्लीन कर लूंगी। देन वही आईलिड शेड्स को मिक्स करके लोअर लैश लाइन के नीचे भी लगा लूंगी। नेक्स्ट एक व्हाइट कोल से लोअर लैश लाइन फिल कर दूंगी। फॉर आईलाइनर मैं ले रही हूँ सेम्बर आईलाइनर। उसमें से एक विंग लाइन क्रिएट करूंगी। वो कलर सूट नहीं करा था इसीलिए कलर चेंज करके पीच कलर लगा रही हूँ। नाइका का फॉल्सेस यूज कर रही हूँ। देख सकते हैं फॉल्सेस लगा चुकी हूँ। मिनीसो का हाइलाइटिंग क्रियन लेके इनर कॉर्नर ऑफ आईज पे लगा लूंगी एंड ब्रो बोन को भी हाइलाइटिंग कर दूंगी। नेक्स्ट उसी पैलेट में से वो कॉन्टूर सेट को लेके फेस कॉन्टरिंग कर लूंगी। हॉलोस ऑफ माई चीक्स, जो लाइन, फॉरहेड, नोज कॉन्टरिंग कर लूंगी।
नेक्स्ट वो आई शैडो पैलेट में से पिंकिश पीच कलर को लेके अपर्स ऑफ माई चीक्स पे लगा लूंगी। For highlighter today I am taking Makeup Revolution Ice Kiss highlighter. Highest points of my face पे highlighting कर लूंगी। Faces Canada का अल्टीमेट प्रो लिपस्टिक एजे लाइनर एंड ब्लू हेवन लिपस्टिक मिडिल पोर्शन पे फिल की हूँ, उसका क्लिप डिलीट हो गया है। मेकअप को सेट करने के लिए वेट एंड वेल का सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ। हेयर्स को साइड पार्टीशन करके क्लिप लगा रही हूँ। बस कंप्लीट हो गया मेकअप लुक। ये लुक क्रिएट करना कितना इजी था एंड आज सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत ही अफोर्डेबल था, बिगनर्स फ्रेंडली था। बस एक दो प्रोडक्ट्स को छोड़ के सारे प्रोडक्ट्स अंडर 500 रुपीज था। सो गाइज ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड साथ ही वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।